नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सिरदर्द की प्रॉब्लम कैसे होती है, जिसको माइग्रेन कहते हैं। कि कई लोग आप देखें कि कुछ देर खड़े होते हैं और फिर उनको काफी दर्द होने लगता है और ये सिरदर्द की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो अपने हाथों में कैसे देखें, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी हासिल होगी। अगर आप सब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सबसे पहले हाथ की तीन मुख्य लाइनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा हमारे माइंड के बारे में बताती है, हमारे गहरे विचारों के बारे में बताती है, और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंध के बारे में बताती है। आज मैंने माइग्रेन की बात की है, सिरदर्द की बात करी। बड़ी आसानी दर्द होता है और जिसके होता है काफी बोलने में दिक्कतें आती है, और सिर में कहीं ना कहीं एक तरफ उसको काफी दिक्कतें आएगी। और वो साइन कौन सा है आप देखिए, ये जो जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, अगर ये मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी होके मंगल के क्षेत्र पे जाए, मुड़े ना, ऐसे लोग ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकते हैं। अगर कुछ देर खड़े रहेंगे तो वो किसी न किसी का सहारा लेंगे बैठने के लिए, और बैठेंगे तो किसी न किसी सहारे के साथ बैठेंगे। हम कह सकते हैं कि उनके कमर में दर्द हो सकता है। अगर ये लाइनें मुड़ती हैं, ऐसे मुड़ जाएंगी, तो ये दर्द वहां पे नहीं महसूस होगा, ना तो ये दर्द होगा। लेकिन कई बार अब सवाल है कि उनको माइग्रेन कब होता है। माइग्रेन एक तरह का सिरदर्द होता है, और ये अगर आप देखें माइंड लाइन के ऊपर ये रेखाएं कटी होंगी सिरदर्द को बताता है। लेकिन आसानी दर्द होता है तब जब माइंड लाइन के ऊपर एक दीप बन जाए, जिसको हम कहते हैं कि यहां पे काफी दीप बन जाए, धब्बा बन जाए। अगर आपके माइंड लाइन के ऊपर होता है तो इस पीरियड में, जो भी पीरियड में ये धब्बा बना है, उस पीरियड में आपको आसानी दर्द होगा और आपको बोलने में दिक्कत आएगी। आप देखें तो इस पीरियड तक आपके मन की स्थिति को बेचैन करके रख देगा। तो हाथों में ये माइग्रेन देखने का एक आसान सा तरीका है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।